शादी के पहले शीघ्र पतन का इलाज, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। काफ़ी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन हमारे से करते रहते हैं सेक्स के बारे में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों में दिखाई देता है, बच्चों में स्पेशली शादी होने के पहले, वो होता है शीघ्र पतन का। क्या होता है कि आजकल तो सेक्स बहुत कॉमन हो चुका है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ते एकदम नॉर्मल है, लड़के लोग रिश्ते रखते हैं लड़कियों के साथ में। देखो वो रिश्ता जो है वो हफ्ते में एक बार, दो हफ्ते में एक बार होता है। नेचुरली गैप ज़्यादा होने से प्री मैच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन होना ही है। और दूसरा कारण जो है, एक तो क्या होता है, नयापन रहता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है, तो वो एक कारण है कि जिसकी वजह से लिए हो जाता है। तीसरा है कि उम्र का तकादा, 18 से 25 ये जो पीरियड है, या थोड़ा पहले भी लेते हैं हम 15 से 25, तो ये कार्यकाल में सेक्स हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और उसके वजह से भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और वो कारण होता है जल्दी गिरने का। अभी ये जो जल्दी गिर जाता है, जिसकी वजह से ना लड़के को समाधान ना लड़की को, अब ये बोलता है कि मेरा ये अच्छा करो, घर वाले बोलते शादी करो, शादी तो ये लड़की से करनी नहीं है, शादी तो अलग करना है किसी के साथ में। मगर डर उसको ये है कि अभी ऐसा हो गया शादी के बाद में तो ये लड़की तो नाखुश है, जो भी गर्लफ्रेंड है, शादी के बाद में यदि पत्नी नाखुश रही तो दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए शादी करने को तैयार नहीं। बोले मुझे पहले अच्छा करो, बाद में मैं शादी करूंगा। घर वालों को ना बोल सकता है, हमारे पास में आते हम बोलते कि भाई पहले शादी करो बाद में आपको अच्छा करेंगे, बोलते नहीं मैं पहले अच्छा हो जाऊंगा बाद में शादी करूंगा। मैं बोला कि भाई आप इतना गैप देते हो, जब इतना गैप आप दे रहे हैं तो नेचुरली उत्सुकता ज़्यादा है, ज़्यादा एक्साइटमेंट है गैप ज़्यादा हो गई तो, और आपकी उम्र भी ऐसी है कि वो उम्र में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, हार्मोनल लेवल ज़्यादा रहती है, तो ये तो होना ही है ना। बोलते नहीं हमको पहले अच्छा करो। अब इसमें काउंसलिंग करना हमको कठिन हो जाता है। मुझे इतने ही बताने का है कि जो भी लड़कों को ये प्रॉब्लम है, उन्हें ये देखना चाहिए कि भाई ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे कोई जान को खतरा है, ना लड़की कोई भाग जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा यदि आप शादी करेंगे और जल्दी गिर गया तो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लड़की नाखुश होंगी। ठीक है, फिर उसके लिए हम टेम्पररी क्या इलाज कर सकते हैं, हम बोलते हैं ऐसा करो आप हस्तमैथुन कर लो और बाद में फिर सेक्स करो, तो जल्दी गिरेगा नहीं, क्योंकि हस्तमैथुन करने के बाद में वीर्य बाहर निकल जाएगा, एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाएगा और बाद में फिर अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं लोगों को, तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है मुझे समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर हम दवाई भी देते हैं उनको कुछ, और दवाइयाँ और कुछ काउंसलिंग, ऐसा करके उनको तसल्ली हो जाती है और शादी के बाद में अक्सर वो अच्छे हो जाते हैं। इसके लिए हम कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन सेक्स के क्लासेस लेते हैं जिससे लोगों को कोचिंग मिलता है। हमारा ऐप भी है, वो ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, डॉक्टर केळकर मनोविकास नाम का ऐप है, तो उसमें से आपको भी जानकारी मिलती जाएंगी, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेना, चैटिंग करना वो भी संभव है। तो ये करेंगे तो जो लोगों को प्रॉब्लम है, लड़कों को, वो प्रॉब्लम उनको होगा नहीं और काफ़ी सारी जो जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती है वो होंगी नहीं, क्योंकि लोग शादी करते नहीं है, कुछ लोग सुसाइड कर डालते हैं, ज़्यादा प्रेशर घर से हो गया तो वो होगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।